नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज बनाने जा रहे हैं दोस्तों टमेटो सूप। दोस्तों 6 किलो टमेटो सूप बना रहे हैं हम, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा तेल लिया है इस बर्तन में, और उसमें थोड़ा हम गार्लिक चॉप डाल देंगे जो हमने थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड करके रखा है। दोस्तों सूप में तेल की मात्रा ज़्यादा ना हो ध्यान रखें, क्योंकि हल्का सा गार्लिक को हमने ब्राउन करना है, इसलिए हमने हल्का ऑयल डाला है। आप चाहें तो बिना ऑयल के भी सूप बना सकते हैं। इसी तरह से अच्छे से भून लें गार्लिक को, हल्का सा बे लीफ डालेंगे इसमें, तेज पत्ता। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों ये रेस्टोरेंट पार्टी होटल स्टाइल का सूप है, आप घर में भी आसानी से इसको बना सकते हैं इस तरीके से। गार्लिक को इस तरह से थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑनियन ऐड करेंगे। ऑनियन को भी थोड़ा सा भूनेंगे इसमें, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दोस्तों भूनते समय फ्लेम को एकदम धीमा रखें, जलने ना पाए। ये हमने टमाटो प्यूरी डाल दिया है 1 टिन। 6 kg टमाटर के लिए दोस्तों 1 टिन हमने टमाटो प्यूरी डाला है। टमाटो प्यूरी को भी इसी तरह थोड़ी देर भून लें, पका लें अच्छे से। उसके बाद इसमें हम टमाटो काट के रखा वो भी इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं अगला वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों चैनल को आप लोग की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों होटल रेस्टोरेंटों में किस तरह से खाना बनता है ये आपको दिखा रहे हैं हम, और आप इससे सीख भी सकते हैं, प्लस आप अपने घर में होटल जैसा खाना भी बना सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है वीडियो दिखाने का। दोस्तों काफ़ी सारे लोग यह भी कहते हैं कि होटलों में खाना अच्छे से नहीं बनता है, ख़राब खाना बनता है, प्लस आपका हाइजीन मेंटेन नहीं होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, होटल में काफ़ी साफ़ सफाई से खाना बनाया जाता है। यह हमने थोड़ा सा गाजर ऐड करा है इसमें ग्रेट करके, कलर भी आएगा थोड़ा सा इससे, और प्लस हल्का स्वीटनेस भी रहेगी इसमें। दोस्तों बल्क क्वांटिटी में सूप बना रहे थे, कुछ इस तरह से ही मेथड है बनाने का, आसान विधि है। और अगर आप कम बनाते हैं तो उसके लिए और दूसरा तरीका है, उसके वो भी हम आपको आगे को वीडियो बनाएंगे। दोस्तों काफ़ी तरीके हैं सूप बनाने के भी, खाना बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हर लोगों के पास अलग अलग एक ट्रिक होती है अपनी, जो हमारी ट्रिक है हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों। दोस्तों हम लोग एक बार वीडियो शूट कर लेते हैं, उसके बाद वॉइस ओवर करते हैं इस वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हल्ला और शोर वगैरह रहता है होटल में, तो हम वीडियो उसमें बस बनाना आसान नहीं रहता है, ऑडियो बहुत ख़राब हो जाता है। इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिया है जो हमने काट के रखा था साइड में, लगभग 6 किलो टमाटर है दोस्तों। इस तरह से टमाटर को पकाएंगे और इसमें पानी डाल देंगे। आपको सूप कितना क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। दोस्तों पानी अच्छे से डालें और इसको 1 घंटे लगभग पूरा पकाएं, जो कि स्टॉक पूरा अच्छे से टमाटर का निकल जाए और जो टमाटो सूप का फ्लेवर एकदम प्रॉपर आए। दोस्तों सूप का जो बेस है वो यही है, इसी से सूप का फ्लेवर आता है। आपने किस तरह का फ्लेवर सूप में डालना है, टमाटो सूप है तो टमाटर का फ्लेवर चाहिए बस आपको, तो इस तरह से आपने सूप बनाना है। दोस्तों सूप तो आपका बन गया, जैसे ये पकने के बाद तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपने इसको थिक करने के लिए, हल्का सा थिकनेस देने के लिए रू बनाना पड़ेगा, उसको भी हम एक साइड में कर लेते हैं। रू बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए बटर, आधा किलो लगभग बटर चाहिए आपको इसमें रू बनाने के लिए। इतने सूप के लिए आपको 250 ग्राम बटर की ज़रूरत है और 250 ग्राम ही मैदा लगेगा, रेशियो आधा आधा रहता है बटर और मैदे का। उसके बाद इसको कंटिन्यू चलाते रहें हल्की आंच में, इसको भून लें मैदे को एकदम से ब्राउन होने तक। दोस्तों होटल रेस्टोरेंट में खाना आसानी से बनता है, इक्विपमेंट होते हैं प्लस सिस्टम होता है हर चीज़ को बनाने का, इसलिए आसानी से जल्दी मिल जाता है खाना। और ग्रेवी वगैरह हम बेस पहले से बना के रखते हैं, इसलिए खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने बेस ही आपने सेट करना है प्रॉपर मेन,
और उसके बाद आपका खाना तो आप सेट कर ही लेंगे बाद में। अगर आपका बेस अच्छा बनेगा तो आपको आसानी से सेटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फूड को टेस्ट फ्लेवर देने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैदा लगभग भून चुका है, इस तरह से अच्छे से भून के हम एक इसको बाउल में डाल देंगे। इसके बाद बाउल में पानी ऐड करेंगे और इसको घोल लेंगे अच्छे से, क्योंकि अगर हम सूप में डायरेक्ट डाल देंगे तो इसके लम्स बन जाएंगे उसमें, इसलिए इसको विस्कर से काफ़ी अच्छे से मिला लें पानी डाल के। उसके बाद थोड़ा सूप इसमें डाल के हम मिलाएंगे, क्योंकि ये अगर गाढ़ा रहेगा और इकट्ठा आप डाल देंगे तो एक ही जगह रह जाएगा, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सूप ऐड कर लिया है। उसको मिला लेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे हम इसको। अगर आप कोई चीज़ घोल के अगर गर्म चीज़ में डालते हैं तो वो इकट्ठा एक ही जगह रह जाता है दोस्तों, तो ध्यान रहे आपने उसको पहले अच्छे से मिलाना है। और ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपको देर तक पकाना पड़ेगा, इसलिए आपने थोड़ा पहले से मिला लेना है। और रू हमने इसमें मिला लिया है, अब हम इसको और पकाएंगे थोड़ी देर, लगभग 15 से 20 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद इस तरह से इसको छन्नी में छान लेंगे। दोस्तों सूप आपका प्रॉपर लगभग बन चुका है, अगर आपको पानी की ज़रूरत है थोड़ा ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर ठीक है तो ठीक है, अगर पतला है तो पानी मिलाइए। तो इस तरह से हमने थोड़ी देर और पका लिया है, 10 से 15 मिनट। दोस्तों हमने इसमें चीनी डाली है, स्वीट एंड सॉल्टी एंड हल्का सा सारनेस इसमें होना ज़रूरी है टमेटो सूप में। तो नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, हल्का सा ब्लैक पेपर भी डालेंगे और लेमन आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डालें लेमन। आप इसमें थोड़े से बेसिल, ड्राई बेसिल और या फिर फ्रेश बेसिल भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए, बहुत कम मात्रा में डालें दोस्तों। सूप लगभग तैयार है, अब हम इसको छान लेंगे। उसके बाद आप अपने हिसाब से ही बाउल में या फिर टिफिन डिश में आप किसी तरह अपना डेकोरेशन करके लगा सकते हैं सूप स्टिक के साथ। तो दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों अगला वीडियो देखने के लिए।